गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले से इस वक्त का बड़ा हादसा सामने आया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला मुख्यालय में एक 50 वर्षीय शख्स हाइपरटेंशन तार की चपेट में आ गया। बुरी तरह से झुलस जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेफ्टी उपकरण के बिना ही शख्स ऊंचाई पर फ्लेक्स लगा रहा था। इसी दौरान फ्लेक्स हाईटेंशन तार को टच कर गया, जिससे उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान परसराम धनकर के रूप में हुई है। वह मंगलवार को समृद्धि मार्केट के सामने फ्लेक्स लगाने का काम कर रहा था। परसराम ने फ्लेक्स बांधते समय ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट या फिर सेफ्टी उपकरणों का उपयोग नहीं किया था, जिसके चलते वह हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पदनापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पदनापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मारुति एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग कंपनी ने शहर में होल्डिंग लगाने का ठेका हेमराज पटेल सुपेला दक्षिण गंगोत्री को दिया है। मारुति एडवर्टाइजिंग कंपनी और पेटी ठेकेदार दोनों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। उनके द्वारा मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया गया है। इसी लापरवाही के चलते 50 वर्षीय परसराम की करंट लगने से मौत हो गई। पदनापुर चौकी प्रभारी राजीव तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत मिली है कि मृतक बिना सुरक्षा मानकों के काम कर रहा था। इसकी जांच भी की जा रही है। जांच के बाद संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सुपेला में भी एक मजदूर की जान जा चुकी है। दक्षिण गंगोत्री सुपेला में भी होंडा शोरूम के पास कुछ दिन पहले ही एक मजदूर की इसी तरह से जान चली गई थी। वह 3 मंजिला इमारत में लगे होल्डिंग के नीचे उतार रहा था। उसने भी न तो सेफ्टी बेल्ट लगाया था, न ही हेलमेट पहना था और अन्य उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया था। होल्डिंग भारी व बड़ा होने से वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और होल्डिंग के साथ ही नीचे गिर गया। नीचे फर्श पर टकराने से उसका सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।